वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ओवरहैंग बीम के लिए डिफरेंट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो देखे। हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के करस्पॉन्डिंगली हम लोग न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में, जिसके साथ ही ये जो हमारा मॉड्यूल है शियर फोर्स एंड बेंडिंग ऑन डायग्राम का, ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हम लोग आपके सामने में दे रहा हूं आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, दिस इज द हिंज सपोर्ट एंड दिस इज द रोलर सपोर्ट। ओके, इसकी लेंथ जो है लेटेस्ट से ये आपके पास 8 मीटर्स की यहाँ पर आपके पास लेंथ है सिंपली सपोर्टेड बीम की, और इसमें एक ट्रायंगुलर लोड लग रहा है। आप देख सकते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है। बेसिकली ये तो है एक तरह का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, बट ये स्पेशली एक ट्रायंगल का शेप दे रहा है आपको, इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर लोड भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट इज एट द मिड स्पैन। मिड स्पैन यानी कि क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा कई बार, आपको जैसे कि अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें स्टेटमेंट होगी और बीम की जो लोडिंग कंडीशन है वो आपको स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ करके समझनी होगी कि कौन सा लोड किस तरह से एक्ट कर रहा है। स्पेशली इन केस ऑफ UDL एंड UVL आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ UVL दिया हुआ है, तो यहाँ ऐसा बोलेंगे कि अगर आपको डायग्राम ना दिया हो तो कैसे बोलेंगे इसको, नोट कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में कि जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, एक्सट्रीम एंड्स पे द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज जीरो एंड एट द मिड स्पैन द UVL हैज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपको बोल सकता है दैट अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन लेंथ 8 मीटर्स कैरिंग अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हुज इंटेंसिटी इज जीरो एट द एक्सट्रीम एंड्स एंड मैक्सिमम एट द मिड स्पैन। तो इसके लिए आपको SFD एंड BMD ड्रॉ करना है, ठीक है। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, दिस इज 20 kN/m। अगर आपको समझ आ चुका है कि कैसे इसको हम लोग वर्कआउट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के साथ के स्टार्ट होते ही साथ ही साथ आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस से दिस इज सपोर्ट ए, दिस इज सपोर्ट बी। अब क्या करेंगे ऐसे केसेस में, सबसे पहला मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी भी बीम के केस में आपको पहला काम करना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी कि हम जो सपोर्ट्स हैं उसको यहाँ रिमूव करेंगे और उनके रिस्पेक्ट में जो लोड आने वाले हैं, रिएक्शन जो आने वाले हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द बीम, ये बन गया। इसमें लगने वाला जो लोड है, ट्रायंगुलर लोड जो है वो ड्रॉ कर दिया मैंने। देन उसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं। ये हिंज सपोर्ट है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर दो रिएक्शंस ही शो करने हैं, दिस इज RAX, दिस इज RAY। अब तक आप लोग के सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, देन इस तरफ आ जाएगा RB। यहाँ दो रिएक्शन क्यों आता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बता दूं, हिंज सपोर्ट में दो डायरेक्शंस में रिएक्शंस आते हैं, वाई डायरेक्शन में एंड एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन आते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज 20 kN/m, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, नाउ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग रिएक्शन का। सो कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शंस, तो आप देख सकते हैं जो आपको मैंने यहाँ पर बीम दी है, इस बीम के लिए कहीं पर भी एक्स डायरेक्शन में कोई लोड नहीं लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में लगने वाला जो लोड है दैट इज जीरो, जो भी UVL उसकी कोई भी कंपोनेंट नहीं है एक्स डायरेक्शन में। दैट्स वाई अगर मैं समेशन ऑफ FX करता हूँ तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में इकलौता फोर्स दिख रहा है आपको RAX, उसको न्यूट्रलाइज करने वाला या फिर उसको बैलेंस करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको लोड नहीं दिया हुआ एक्स डायरेक्शन में, तो अगर मैं समेशन ऑफ FX लिखता हूँ तो एक ही फोर्स आएगा, RAX विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से समझ आ गया हम लोगों को कि जो RAX है वो क्या होगा, जीरो होगा, रिएक्शन एक्स डायरेक्शन जीरो होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं लग रहा है। इफ देर इज नो एक्शन इन द एक्स डायरेक्शन, देर विल बी नो रिएक्शन इन द एक्स डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं, समेशन ऑफ FY करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे इसको, तो हम लोगों को मिल जाएगा जो वाई डायरेक्शन में जितने लोड्स हैं उनका बैलेंस, तो ये हो जाएगा RAY अपवर्ड है प्लस RB इज इक्वल टू डाउनवर्ड, जितना फोर्स लग रहा है, जितना ये ट्रायंगुलर लोड है ये मिल करके नीचे की तरफ लोड एग्जर्ट कर रहा होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं यहाँ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो बोलता हूँ UVL का, अगर वो मैं बोलता हूँ 20 kN/m, तो ये जो हाइट है दैट इज 20 kN/m।
ओके, देन जो बेस है दैट इज इक्वल टू द स्पैन. तो हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जो लोड होगा दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज 20, ये हो जाएगा 80 किलो न्यूटन. सो दिस इज आर ए वाई प्लस आर बी. नाउ क्योंकि आर ए एक्स जीरो है, आर ए एक्स क्योंकि जीरो हो गया और आर ए की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो कभी भी क्या होता है, आर ए एक्स और आर ए वाई का रिजल्टेंट होता है. ये वाला फोर्स, ये वाला जो रिएक्शन था वो जीरो हो गया है, तो आर ए वाई विल, आर ए विल बी इक्वल टू आर ए वाई. तो आप आर ए वाई की जगह आर ए भी लिख सकते हैं. तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन. ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया. नाउ हम अब क्या करेंगे, लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास बचा है दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो करके अब आगे का सॉल्यूशन करेंगे. तो मिलेगा आर बी इंटू 8, कैसा है ये, आर बी इंटू 8 एंटी क्लॉक वाइज है तो माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस हो गया. प्लस जो दूसरा लोड लग रहा है वो क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड है यू वी एल का वो यहाँ पर ऐड कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 80 किलो न्यूटन. ओके, ये कैसा दे रहा है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन दे रहा है अबाउट दी पॉइंट ए. डिस्टेंस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ पर अपने सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा ये, ठीक है. हम जानते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो इंटेंस, जो मैग्नीट्यूड है वो उसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के सेंट्रॉइड पे एक्ट करती है. ये ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, जो इसका पॉइंट, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस ट्रायंगल का उस पे लाई करेगा. ये इसका बीचों बीच इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा, कहाँ पर आएगा, यानी कि 4 मीटर पर आएगा. ओके, सो अब हमको डिस्टेंस भी मिल गई, तो लिखते हैं इसको प्लस 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोगों को आर बी मिल जाएगा आपको 80 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 40 किलो न्यूटन. ये आर बी आ गया. इक्वेशन नंबर 1 पे अगर हम जाएंगे तो हमको आर ए भी मिल जाएगा, आर ए विल बी इक्वल टू 80 माइनस 40, दैट इज 40 किलो न्यूटन. हमको आर ए और आर बी की वैल्यू मिल गई, दोनों इक्वल आ गए हमारे पास. तो यहाँ इसको मेंशन कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो 40 किलो न्यूटन एंड दिस इज ऑल्सो 40 किलो न्यूटन. ओके, सारे रिएक्शंस आ गए, फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब हम लोग जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो बनाएंगे. सबसे पहले SFD बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम. ओके, तो अब आपसे मेरा सवाल है, अब यहाँ पर वीडियो जब देखेंगे तो आपको रिकॉल भी करना है जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है. ये कैसा लोड है, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है. यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए मैंने आपको बताया है जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है उसका नेचर क्या होगा, पैराबोलिक होगा. ओके, प्रीवियस वीडियोज में सब डिस्कशन किया गया है. और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो एक क्यूबिक कर्व होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है. तो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. तो अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशंस करते हैं. ओके, कन्वेंशनल तरीका फॉलो कर रहे हैं हम लोग, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट डिसाइड कर लेते हैं. तो हम डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाना है. ओके, लेफ्ट टू राइट जाना है तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट लोड, यानी कि एक रिएक्शन ऐड कर रहा है बेसिकली. तो हम लोग जानते हैं जहाँ पॉइंट लोड देखने को मिलेगा उसके जस्ट पहले यानी एट पॉइंट लोड हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पर आएगा शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ए. शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ए कितना है, कोई भी फोर्स नहीं है वहाँ पर, ए के पहले कोई लोड नहीं है, दैट्स वाई जीरो. देन शेयर फोर्स एट ए देखते हैं. तो ए पे आप देखेंगे, एट ए जब मैं आता हूँ तो अपवर्ड डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है. लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 40 किलो न्यूटन. ओके, देन शेयर फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है शेयर फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट बी. तो पॉइंट बी पर भी आपको एक पॉइंट लोड यानी कि रिएक्शन देखने को मिल रहा है आर बी. तो यहां पर भी जस्ट बिफोर बी एंड एट बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो शेयर फोर्स जस्ट बिफोर बी ये हम लोग देखेंगे. तो पहले था आपका आर ए अपवर्ड लग रहा था तो उसको मेंशन कर लेते हैं, प्लस 40 किलो न्यूटन लग रहा था. ओके, देन डाउनवर्ड, जैसे ही मैं ए से लेके बी तक आया तो हम जानते हैं भाई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि जब हम बी पे आएंगे तो बी के पहले जितने भी लोड्स आए थे, जब हम लेफ्ट टू राइट गए तो लेफ्ट से राइट जाने तक हमने इतना लोड कवर किया, आर ए को कवर किया, इस ट्रायंगुलर लोड को कवर किया. तो बी के जस्ट पहले जब हम लोग आए तो इतना लोड हमने कवर किया है सभी लोड्स का एट दिस सेक्शन, जो भी वर्टिकल फोर्सेस या वर्टिकल लोड्स का अप टू दिस सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे. ओके, तो इसका अभी देखना पड़ेगा हमको, ये जो यूवीएल है इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 80 किलो न्यूटन है, जो कि डाउन
डाउनवर्ड लग रहा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड निगेटिव होता है, तो प्लस 40 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू माइनस 40 किलो न्यूटन यहाँ पर आ गया जस्ट बिफोर बी के लिए। नाउ शियर फोर्स एट बी देखेंगे तो बी पे अपसाइड अपवर्ड डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन लग रहा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो शेयर फोर्स एट बी हमको मिल गया माइनस 40, देन प्लस 40 इक्वल टू जीरो, तो बी पे भी शेयर फोर्स क्या आ गया, जीरो किलो न्यूटन आ गया। सारी वैल्यूज को हम ड्रॉ करते जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव शेयर फोर्सेस, ये हो गया निगेटिव शेयर फोर्सेस, ये है आपका एक्स डायरेक्शन। सो जस्ट बिफोर ए शेयर फोर्स कितना आया, जीरो आया, शेयर फोर्स एट ए आया प्लस 40, सो दिस इज प्लस 40। आप देखिए सडन चेंज देखने को मिला, जीरो से सडनली प्लस 40 पे चले गए, प्लस लिखने की यहाँ पर नीड नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पॉजिटिव एक्सिस के साइड में हैं। देन बी पे आए, जस्ट बिफोर बी हमको कितना मिला, जस्ट बिफोर बी हम लोग को मिला माइनस 40, सो अगेन मैं 40 की नोट लिखूंगा, माइनस लिखने की नीड नहीं है क्योंकि एज हम लोग देख सकते हैं निगेटिव साइड में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। देन एट बी अगेन मुझे क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब ए से लेकर के बी तक के, ए से लेकर के बी तक के आपने देखा कि जो इंटेंसिटी है वो चेंज होनी है, ठीक है, लोड की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। बीच में कैसा लोड है, बीच में लोड है UVL, तो यहाँ पर कैसा कर्व बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, आई रिपीट, जब UVL होगा तो उस कंडीशन में शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा जिन दो पॉइंट्स के बीच UVL लग रहा है उन दो पॉइंट्स के बीच शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा पैराबोलिक नेचर का होगा, ठीक है। अब पैराबोला बनाना कैसा है, इसके बीच पैराबोला जो बनेगा उसका शेप कैसा होगा, इसको समझना ही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं ध्यान देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं नोटिस करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लोड W कितनी है, जीरो है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी कितनी है, जीरो है, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ओके, नाउ बेसिक्स पे जाते हैं, बेसिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो dV by dx दैट इज स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू माइनस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है W के लिए जहाँ जीरो है वहाँ पर स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ओके, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, तो जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस। ओके, तो इस पैराबोला में आप देख सकते हैं जो स्लोप है वो इस पॉइंट पे जीरो है, और इस पॉइंट पे आप देखेंगे स्लोप जो है वो क्या है, यहाँ पर जो स्लोप है dV by dx ये है आपका मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि इस पॉइंट पे यानी कि बीच वाले पॉइंट पे L by 2 या आप कह सकते हैं 4 मीटर्स वाली डिस्टेंस पे जो W की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो अगर W की जगह क्या आ जाएगा, W max आ जाएगा, तो स्लोप भी क्या होगा भाई, dV by dx क्या होगा, dV by dx भी मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम स्लोप आपको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, इस कंडीशन में मिड स्पैन में मिलेगा। ओके, दिस इज योर मिड स्पैन, तो ये आपको मैक्सिमम स्लोप यहाँ पर मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव शेयर फोर्स साइड से हम लोग निगेटिव साइड में चले गए हैं, यानी कि इस पॉइंट पर मिड स्पैन पर, एट मिड स्पैन क्या जीरो हो गया, शेयर फोर्स जीरो हो गया, साथ ही साथ क्या हुआ, शेयर फोर्स डायग्राम ने अपना नेचर चेंज किया। तो हम जानते हैं जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना नेचर चेंज करता है वहां पर क्या आएगा, इसी पॉइंट पे यानी कि मिड स्पैन पे क्या मिलेगा हम लोगों को, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मिलेगा। तो इस चीज का हम लोग केयर करेंगे जब हम लोग मैक्सिमम, जब बेंडिंग डायग्राम हम लोग प्लॉट कर रहे होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब बीएम कैलकुलेशंस करते हैं, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट या बीएम कैलकुलेशंस, ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए से। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट ए, पॉइंट ए पे देखते हैं सबसे पहले, तो सेक्शन को हम लोग कहाँ जाएंगे, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अभी भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट पे यहाँ जाते हैं, पॉइंट ए पे जाते हैं, पॉइंट ए पे जितने भी लोड्स हैं और इसके पहले जितने भी लोड्स हैं, इसके पहले तो कोई लोड है नहीं और इस पे जो लोड ऐड कर रहा है आर ए, इनका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, जीरो होगा। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया, सिंपली सपोर्टेड बीम में जब एक्सट्रीम एंड्स की बात करेंगे तो किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में एक्सट्रीम एंड्स पे हमेशा आपको बेंडिंग मोमेंट जीरो मिलने वाला है। ओके, देन बेंडिंग मोमेंट एट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालेंगे तो बी पे भी आपको क्या मिलेगा, ये भी एक्सट्रीम एंड है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी भी हो जाएगा जीरो। अगर इसको आप लोग शॉर्टकट के रूप में अगर सॉल्व भी करना चाहते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, बी जो है वो एक्सट्रीम राइट में, कैलकुलेशन लंबा होगा, आपको क्या करना है, जितने भी
लोड्स हैं उनके मोमेंट्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आपको जीरो ही मिलेगा। देखते हैं कैलकुलेट करके, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे हम लोग, तो आर ए की वैल्यू कितनी थी 40 इंटू डिस्टेंस कितना है 8 है, ओके 40 × 8 इक्वल टू सॉरी 40 × 8 माइनस 80 किलोन्यूटन, जो उसका मैग्नीट्यूड है यूवीएल की, इंटू डिस्टेंस दैट इज 4 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पर 0। सॉल्व करेंगे तो इसको 0 मिलेगा। तो हम लोगों को समझ आ गया कि जो बेंडिंग मोमेंट है एट बी दैट इज ऑल्सो 0। अदरवाइज अगर आप चाहें और शॉर्टकट में करना चाहें तो आप राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। राइट टू लेफ्ट जाएंगे, जैसे ही आप राइट टू लेफ्ट जाने पर आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन जब राइट टू लेफ्ट मूव करेगा लाइक दिस, तो उस कंडीशन में बी के राइट साइड में कोई लोड्स नहीं, तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट एट बी है वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी इज 0। नाउ बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू बी एम मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आ रहा था? ये आ रहा था मिड स्पैन पे, मिड स्पैन पे आ रहा था। अब यहाँ पर मैंने आपको कभी भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ मेथड्स बताए हैं, आप निकाल सकते हैं कहीं से भी, इजिली निकाल सकते हैं इसको, ओके? तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट है इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पर हमारे सेशन को हम रख के इसके प्रीवियसली जितने भी लोड्स हैं सभी का मोमेंट कैलकुलेट कर देंगे तो हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ओके? तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, यही मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए, ये हो जाएगा आर ए दैट इज 40 इंटू डिस्टेंस कितना है मिड स्पैन से, ये है 4 मीटर्स। क्लॉकवाइज है ये, क्लॉकवाइज ये वाला जो मिड स्पैन लेटर से दिस इज सी, तो सी के अबाउट आर ए जो है वो एक क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन दे रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव, ओके? देन इतना जो यू वी एल कंसिडर हुआ, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा? इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पर होगा लाइक दिस। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है लाइक दिस, आप देख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई 3। इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है? 4 है, सो 4/3, ओके? नाउ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? अगर पूरे ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड 80 है तो इतने का कितना होगा भाई? 40 होगा ऑब्वियसली। कैलकुलेशन हम यहाँ पर बचा सकते हैं इस तरह से अपन लोग, ठीक है? तो ये जाएगा माइनस, ये कैसा देगा? सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई माइनस 40 इंटू डिस्टेंस दैट इज 4/3 इज इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट एट सी, और यू कैन से द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो जाएगा 160, ओके, माइनस 160 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, ओके? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लेंगे आपका पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में एम मैक्स की वैल्यू डाल करके मुझे बतानी है कि आप लोग का आंसर क्या रहा है, ताकि हम लोग समझ पाए कि हमारी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? अगेन एक्सिस लेंगे हम लोग, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एक्सिस एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन। तो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया था? पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 आया, पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 आया, एंड जो मिड स्पैन था इस पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिला। तो इस तरीके का एक कर्व मिलेगा लाइक दिस, एंड दिस इज नॉट अ पैराबोला, ये क्या मिलेगा? दिस इज क्यूबिक कर्व। आप लोग फ्री हैंड जब ड्रॉ करोगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये पैराबोला है या क्यूबिक कर्व है, ठीक है? तो हम लोग को बस हमारे दिमाग में रखना है कि ये क्यूबिक कर्व है, हमेशा क्यूबिक कर्व बनेगा। सो दिस इज क्यूबिक कर्व, और ये जो वैल्यू होगी दैट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आप लोगों को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है यूवीएल का आई थिंक समझ आया होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर जितने भी डिफरेंट कैटेगरी होती है उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने इन चार प्रॉब्लम्स से जितने भी हमने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स डाले हैं यूट्यूब में, आपको मैंने वहाँ से डिलीवर करने की कोशिश की है जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। सो इन केस अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख करके बताइएगा, मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके? सो मेरे और मेरी गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।